अच्छा जी, अब फ्रेम फॉर्मेट की बात हो रही है कि जो फ्रेम सेंड होते हैं उसमें डाटा फ्रेम भी हो सकता है और कंट्रोल फ्रेम भी हो सकते हैं। कंट्रोल फ्रेम कौन-कौन से हो सकते हैं? अभी आपने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, कंट्रोल फ्रेम में आपके पास RTS, CTS वगैरह कंट्रोल फ्रेम है, और डाटा फ्रेम के अंदर आपके पास डाटा होता है जो आपने वायरलेस नेटवर्क को यूज करते हुए सेंड करना होता है, ट्रांसमिशन करनी होती है। तो फ्रेम का कुछ फॉर्मेट है, उसमें 9 फील्ड होती हैं। जो वायरलेस का फ्रेम है, फ्रेम फॉर्मेट, उसमें 9 फील्ड्स होती हैं। पहली जो फील्ड है वो 2 बाइट की है, जिसको हम कहते हैं फ्रेम कंट्रोल, FC बोलते हैं, FC, फ्रेम कंट्रोल। दूसरे 2 बाइट जो हैं वो आपके ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कितनी देर के लिए कम्युनिकेशन परफॉर्म होनी है या डाटा सेंड होना है। तो यहाँ से यही वो ड्यूरेशन है जिसको देखते हुए बाकी डिवाइसेस अपना नैव सेट करते हैं, ठीक है। और फिर कुछ एड्रेसेस हैं 6-6 बाइट के, Address 1, Address 2, Address 3, 6-6 बाइट के। फिर सीक्वेंस कंट्रोल है, सीक्वेंस कंट्रोल में आपके पास सीक्वेंस नंबर होता है फ्रेम का, सेगमेंट नंबर होते हैं, ठीक। इसी तरह 6 बाइट Address 4 के लिए है। नेक्स्ट जो फील्ड है, जो 8वीं फील्ड है, वो फ्रेम बॉडी है। फ्रेम बॉडी से मुराद ये है कि यहाँ पे आप डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। जितना भी डाटा है वो यहाँ पे फ्रेम बॉडी के अंदर आप यहाँ पे प्लेस करवाते हैं। और उसके बाद फ्रेम कंट्रोल, फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस ये एक फील्ड है 4 बाइट की। इसमें एरर चेकिंग होती है, ठीक है, एरर चेकिंग इस फील्ड में होती है। तो इस तरह से 9 फील्ड्स हैं, 9 फील्ड हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं फ्रेम के अंदर डाटा सेंडिंग के लिए या कंट्रोल फ्रेम सेंडिंग के लिए। अगर आप फ्रेम कंट्रोल को, जो पहली फील्ड है, उसको मजीद एक्सप्लोर करें तो उसके अंदर फर्दर 2 बाइट यानी 16 बिट, 16 बिट की फर्दर डिवीजन है। तो उसमें पहली 2 बिट जो है उसकी प्रोटोकॉल वर्जन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसका वर्जन कौन सा है, टाइप कौन सी है, उसके 2 बिट टाइप के लिए यूज हो रहे हैं कि किस किस्म का फ्रेम आप सेंड कर रहे हैं या किस किस्म का फ्रेम रिसीव हो रहा है, उसकी टाइप, फर्दर उसकी सब टाइप कौन सी है। 2DS से मुराद 2 डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और मोर फ्रैग से मुराद ये है कि इसके मजीद फ्रेगमेंटेशन, इस फ्रेम की मजीद फ्रेगमेंट्स हैं। रीट्राई से मुराद रीट्रांसमिशन। इसी तरह पावर मैनेजमेंट, अगर ये बिट अनेबल है तो इसका मतलब ये पावर मैनेजमेंट का एक सिग्नल सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है। मोर डाटा का मतलब होता है कि अगर ये बिट वन है तो इसका मतलब मजीद डाटा इन ट्रांजिट है, मीन्स के रास्ते में है। इसी तरह वायरलेस सिक्योरिटी जो होती है वो भी यहाँ पे वायर्ड इक्विलेंट प्राइवेसी, तो यहाँ पे ये अनेबल होती है, तो इससे मुराद ये होता है कि सिक्योरिटी भी अप्लाई हुई है। और ये जो लास्ट बिट है ये रिजर्व बिट है, ठीक है। फ्रेम फॉर्मेट में अगर कुछ कोई चीज पूछनी है तो आप बताएं, नहीं तो इसको फर्दर देखते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। अभी जो डायग्राम आपके सामने है फ्रेम फॉर्मेट का, इसमें से अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। कर दें जी। अच्छा जी, Address 1, Address 2, 3 and 4, ये एड्रेसेस कौन से होंगे? ये अभी आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से एड्रेस यूज होते हैं। बनेंगे जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो वायरलेस नेटवर्क में 4 किस्म के केसेस बनते हैं। यहाँ तो 2 होस्ट एडहॉक नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वायरलेस नेटवर्क है ना, तो वायरलेस नेटवर्क में या तो एडहॉक नेटवर्क होता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होता है, ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है।
वायरलेस नेटवर्क में या एडहॉक नेटवर्क होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क होता है उसमें एक्सेस पॉइंट यूज होते हैं, और इसी तरह से वायरलेस आर्किटेक्चर को आपने पढ़ा था, एक पढ़ा था आपने BSS बेसिक सर्विस सेट, और एक आपने पढ़ा था ECS ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट। तो जब आप दो डिवाइसेस, दो होस्ट आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं विदाउट एनी एक्सेस पॉइंट, तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही है वो होस्ट टू होस्ट हो रही है, तो उस वक्त दो एड्रेस यूज होते हैं, ठीक है, एड्रेस वन और एड्रेस टू यूज हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूं कह लें कि आपने होस्ट से डाटा सेंड करना है एक्सेस पॉइंट को, और एक्सेस पॉइंट ने आगे होस्ट को सेंड करना है, तो एक ये सिनेरियो है, होस्ट से एक्सेस पॉइंट और एक्सेस पॉइंट से होस्ट, या ये भी तो हो सकता है कि एक्सेस पॉइंट अगले एक्सेस पॉइंट को डाटा सेंड करें। तो ये चार किस्म के एड्रेसेस बनेंगे, चार किस्म के केसेस के बिहाफ पर जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, कि या तो दो होस्ट डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेट करें, या एक होस्ट एपी के साथ, या एक एपी होस्ट के साथ, या दो एपी आपस में। क्लियर? भाई क्लियर है? अच्छा जी, फ्रेम कंट्रोल हमने 2 byte के ऊपर बात की थी कि 16 bit पर मुश्तमिल है फ्रेम कंट्रोल, और उसके अंदर फर्दर क्या चीजें होती हैं। तो जो उसके पहले 2 bit हैं वो वर्जन को शो करती हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल वर्जन, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। टाइप में आप बताते हैं कि किस किस्म का फ्रेम है, जैसे डाटा का फ्रेम है, कंट्रोल फ्रेम है, या मैनेजमेंट फ्रेम है, फ्रेम के बारे में आप बताते हैं। अच्छा, इसी तरह से सब टाइप में आप बताते हैं कि उसकी फर्दर सब टाइप क्या है। जैसे हम कंट्रोल फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल फ्रेम कौन कौन से होते हैं, RTS, CTS, एक्नॉलेजमेंट, इस तरह के जो इंफॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, सब टाइप के अंदर, ठीक है। 2DS का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मोर फ्रैग, मैंने आपको बताया कि अगर 1 है तो इसका मतलब मजीद फ्रेगमेंट हैं डाटा के। रीट्राई का मतलब होता है कि आप रीट्रांसमिशन फ्रेम आ रहा है ये या सेंड हो रहा है। पावर मैनेजमेंट का मतलब ये पावर मैनेजमेंट मोड में है फ्रेम, और इसी तरह से मोर डाटा का मतलब मजीद डाटा है जो सेंड हो रहा है। और वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी एनक्रिप्शन इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पे, इसका मतलब अगर ये अनेबल है, WEP फील्ड अनेबल है, तो इसका मतलब प्राइवेसी या इनक्रिप्शन इम्प्लीमेंट हो रही है। और लास्ट बिट जो है रिजर्व है। अच्छा, जो सेकंड फील्ड है फ्रेम के अंदर, जो सेकंड फील्ड है उसको हम D से रिप्रेजेंट हमने किया है, और मैंने आपको बताया कि ये ड्यूरेशन कहलाती है। इस ड्यूरेशन के बिहाफ पर नैव, तमाम डिवाइसेस अपने अपने नैव सेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एड्रेसेस, देर आर 4 फील्ड्स, और हर फील्ड कितने बाइट की है, 6-6 byte की। हर एड्रेस डिपेंड करता है वैल्यू टू वैल्यू ऑफ 2DS और फ्रॉम DS, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से, इन दो फील्ड सब फील्ड के बिहाफ पर इसकी वैल्यू वेरी करती है, इन एड्रेसेस की वैल्यू वेरी करती है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी 4 केसेस बनेंगे, तो ये 2 है ना, 2DS और फ्रॉम DS, यहाँ तो दोनों ही 0 होंगे, या पहला 0 दूसरा 1, या पहला 1 दूसरा 0, या दोनों 1 होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। समझ आ रही है बात की भाई, बात की समझ आ रही है। एड्रेसेस की जो वैल्यू है, एड्रेसेस जो चेंज होंगे या डिपेंड करता है, वो 2DS और फ्रॉम DS सब फील्ड के बिहाफ पर चेंज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस कंट्रोल 16 बिट की वैल्यू होती है, जिसमें से पहली 4 बिट जो होती है वो फ्रेगमेंट नंबर होती है, और बाकी 12 बिट जो है उसका सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है। यानी एक फ्रेम के जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे
उसकी पहली चार बिट जो होंगी वो कंसिडर होंगी फ्रेम फ्रेगमेंट नंबर, और बाकी जो लास्ट 12 बिट होगी वो आपके पास उसका सीक्वेंस नंबर होगा जो सब में सेम होगा। फ्रेम बॉडी में कितने बाइट आ सकते हैं, 0 से लेकर 2312 बाइट का डाटा प्लेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेम टाइप्स। हमने बात की थी कि हमारे पास तीन किस्म के फ्रेम टाइप्स होते हैं, मैनेजमेंट, कंट्रोल और डाटा फ्रेम। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि स्टेशन कुछ कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, ठीक है, और कंट्रोल फ्रेम में ये इंफॉर्मेशन होती है कि यहाँ तो रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है, या क्लियर टू सेंड का मैसेज जा रहा है, या फिर एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये कंट्रोल फ्रेम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और डाटा फ्रेम में डाटा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब RTS यूज होगा, RTS यूज होगा तो कौन कौन सी फील्ड यूज होगी, फ्रेम के अंदर कौन कौन सी फील्ड होगी, क्योंकि डाटा फील्ड तो होनी नहीं है, क्योंकि डाटा नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट है। तो उसमें फ्रेम कंट्रोल, ड्यूरेशन, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और FCS। इसी तरह CTS और एक्नॉलेजमेंट जो है उसमें एड्रेस 1 यूज होगा सिर्फ, और बाकी वही फील्ड होंगी जो RTS में। अब बता सकते हैं नेव कैसे सेट होता है? मैंने आपको बताया था कि CTS या RTS को देखते हुए बाकी स्टेशन अपना नेव सेट करते हैं। बता सकते हैं किसके बिहाफ पर? बताओ भाई। बोलो भाई, नेव कैसे सेट हो रहा है? लास्ट लेक्चर में कौन कौन था? सिर्फ विक्रम था मेरा ख्याल। गुलाम मोहियुद्दीन, आप लोग मौजूद हैं या सारे गायब हो गए हैं? लास्ट लेक्चर किस किस ने लिया था? क्यों लास्ट लेक्चर क्यों नहीं लिया था? हसीब बताओ, नेव कैसे सेट होता है? हसीब आपने लेक्चर लिया था तो आप बताओ बाकी डिवाइसेस अपना नेव कैसे सेट करते हैं? RTS के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, RTS या CTS के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसके बिहाफ पर नेव सेट होता है? बताओ भाई, इकराम किधर गया है? इकराम है? इकराम किधर है? इकराम नहीं है, चला गया। अब भाई मैंने आपको बताया था कि ड्यूरेशन फील्ड होती है, उसमें RTS में या CTS में ड्यूरेशन होती है जिसके बिहाफ पर तमाम डिवाइसेस अपना नेव सेट करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी उन्होंने कैरियर को सेंस करना है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उनका नेव एक्सपायर हुआ है कि नहीं। तो नेव की जो सेटिंग है
वो इस डी के बिहाफ पर है, यानी डी को देखते हुए उन्होंने अपने नैव को सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे हमने बात की थी कि फ्रेम की जो कंट्रोल फ्रेम है उनकी सब टाइप कौन कौन सी है। जब आरटीएस होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1011, सीटीएस होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1100, एक्नॉलेजमेंट होगा तो इसकी वैल्यू होगी 1101। ठीक है, क्लियर। अब एड्रेसिंग मैकेनिज्म देखें, यहाँ पे एक टेबल है जो कि आपने बात की थी कि एड्रेस वन, एड्रेस टू और थ्री एंड फोर, ये चार एड्रेसेस कैसे यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये डिपेंड करते हैं टू डीएस और फ्रॉम डीएस सब फील्ड के बिहाफ पर। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके चार कम्बिनेशन बनेंगे, या तो दोनों ही जीरो, या एक जीरो दूसरी वन, या पहली वन और दूसरी जीरो, और या दोनों ही वन। इसका मतलब ये है कि टू डीएस फ्रॉम डीएस दोनों जीरो हैं, तो इसका मतलब कोई एपी इन्वॉल्व नहीं हो रहा इसमें, इस केस में कोई एक्सेस पॉइंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ पे आएगा, एड्रेस वन पे, और सोर्स एड्रेस कहाँ पे आएगा, एड्रेस टू पे। ठीक है, क्लियर। और उसका बीएसएस आईडी एड्रेस थ्री पे आ जाएगा। ठीक, एड्रेस फोर यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें 01 कम्बिनेशन में देखें, डेस्टिनेशन एड्रेस वन पे और सेंडिंग, अब फ्रॉम डीएस है ना, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से डाटा रिसीव होगा या फ्रेम रिसीव होंगे। तो एड्रेस टू जो होता है वो हमेशा सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सोर्स कौन सा है, अब डेस्टिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो लिहाजा यहाँ पे सेंडिंग एपी आ जाएगा, और जिसकी तरफ से पैकेट उसने रिसीव किया था वो एड्रेस थ्री पे आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट है, ये डेस्टिनेशन, ये उसका सेंडिंग एपी, और इसने कहां से रिसीव किया था, सोर्स से। ठीक है, यहां पे भी आपके पास नेट एड्रेस फोर जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। इसी तरह इस केस में देखें वन एंड जीरो, तो यहां पे टू डीएस, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मैसेज रिसीव होना है, पैकेट रिसीव होना है, तो लिहाजा यहाँ पे एड्रेस वन क्या है, रिसीविंग एपी, यानी होस्ट से एपी की तरफ जा रहा है, होस्ट से एपी की तरफ। कौन भेज रहा है, सोर्स। कहाँ से रिसीव किया, डेस्टिनेशन से। ठीक है, डेस्टिनेशन से सोर्स ने रिसीव किया, और वो सेंड किसको कर रहा है, एपी को। इसी तरह दोनों वन वन है, टू डीएस और फ्रॉम डीएस, डीएस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरफ, इसका मतलब दोनों एपी इन्वॉल्व हो गए, रिसीविंग एपी, सेंडिंग एपी, डेस्टिनेशन सोर्स, यानी चारों एड्रेस यूज हो रहे हैं। क्लियर, भाई क्लियर है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें आपके पास वही बीएसएस है और उसका बीएसएस आईडी होगा कुछ ना कुछ। केस वन में, केस वन में आप देखें कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, केस वन में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और फ्रेम सेंड हो रहे हैं, ए डिवाइस बी को डाटा सेंड कर रहा है, तो डेस्टिनेशन हमेशा एड्रेस वन में आ रहा है, डेस्टिनेशन हमेशा एड्रेस वन में आ रहा है, और सोर्स इसका कौन है, ए, तो एड्रेस टू पे ए आ गया, और एड्रेस थ्री पे बीएसएस आईडी, यानी किस नेटवर्क का ये फ्रेम है। तो पहला केस आपके पास होस्ट से होस्ट की कम्युनिकेशन है, होस्ट से होस्ट की कम्युनिकेशन, यानी ये भी टू डीएस और फ्रॉम डीएस दोनों जीरो, ये पहला केस, टू डीएस और फ्रॉम डीएस दोनों ही जीरो जीरो। दूसरे केस में देखें पैकेट कहां से, यानी फ्रेम कहां से सेंड हो रहा है, बता सकते हैं,
पैकेट कहाँ से सेंड हो रहा है? एपी से, इन एक्सेस पॉइंट से सेंड हो रहा है। एक्सेस पॉइंट ने किससे पैकेट लिया है? कर्सर देखें, एक्सेस पॉइंट ने सिस्टम ए से पैकेट लिया है और सिस्टम बी को सेंड करना है, यानी सिस्टम ए ने सिस्टम बी को पैकेट सेंड करना है लेकिन थ्रू एपी। तो फौरी तौर पर एपी ने रिसीव कर चुका है, एपी रिसीव कर चुका है ए से, तो एपी अब सेंड कर रहा है इस सिस्टम बी को। तो डेस्टिनेशन वही बी, और जो इसका सेंडर है, जो सोर्स है इस वक्त, ये सेंडर एपी है, और किससे रिसीव हुआ है? ए, ए से रिसीव हुआ है। फोर्थ एड्रेस इसमें भी यूज नहीं हुआ, और यहाँ पे एपी की बेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अवेलेबल है। केस थ्री में देखें, केस थ्री में बता सकते हैं क्या हो रहा है? कौन बताएगा केस थ्री को, कौन एलेबोरेट करेगा? बताओ भाई, कौन एलेबोरेट करेगा? गुलाम महियुद्दीन, आप बताएंगे? सर बी से ए को सेंड और डाटा तो रही से आगे एक्सेस पॉइंट टू, एक्सेस पॉइंट टू। दोबारा बोलें। डीएसएस जो डी है उसे डाटा ट्रांसफर हो रहा है ए को, डीएसएस ए को, और उससे आगे तो एपी को सेंड। केस थ्री हम बात कर रहे हैं, केस थ्री की बात कर रहे हैं। केस थ्री में देखो, एरो हेड देखो किस तरफ मूव हो रहा है। एरो हेड देखो ना, ए से डाटा ए से एपी की तरफ सेंड हो रहा है, और एपी से आगे मूव हो रहा है डीएसएस बी की तरफ, बी को सेंड होगा ना, एपी से बी को सेंड होगा। लेकिन फौरी तौर पर उसका टारगेट कौन सा है? एपी। एड्रेस वन में एपी आ जाएगा। कौन सेंड कर रहा है? ए आ गया। और किससे इसने रिसीव किया था या किसको सेंड करना है? बी को, तो उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन यहाँ पे फोर्थ एड्रेस अभी भी नॉट एप्लीकेबल है। फोर्थ केस में देखें, अब यहाँ पे एक बीएसएस ये है, एक बीएसएस ये है, इसका मतलब एक एपी यहाँ पे है, एक एपी यहाँ पे है। तो एपी से एपी की कम्युनिकेशन होनी है, एपी से एपी की कम्युनिकेशन होनी है। एपी वन जो है वो डाटा सेंड कर रहा है कंट्रोल या फ्रेम सेंड कर रहा है एपी टू को। उसने फर्दर किसको सेंड करना है? बी को। और किससे लिया है डाटा? ए का डाटा है, ठीक है। ये चारों एंटिटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, चारों एड्रेस इन्वॉल्व हो जाते हैं केस डी के लिए, केस फोर के लिए। क्लियर? भाई क्लियर है? तो ये आपके सामने ये था फ्रेम फॉर्मेट और उसका मैकेनिज्म, एड्रेसेस मैकेनिज्म, कि एड्रेस उसमें किस तरह से यूज हो रहे हैं। चारों केसेस को यहाँ पे लिखा हुआ है, और फर्दर अगर आपने इसको मजीद एक्सप्लोर करना है तो ये फिजिकल लेयर आगे स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास फिजिकल लेयर है, तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है किसी का? चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।